वेरी गुड। जितना बीपीआरसी में PM20 PM10 है, जितना इसमें PM4 और PM6। PM4 क्या है, प्रेशर नॉमिनल 4 बार, PM6 क्या है, प्रेशर नॉमिनल 6 बार। यानी कि ये PM4 4 बार प्रेशर बर्दाश्त करेगा, PM6 6 बार प्रेशर बर्दाश्त करेगा। एक बार तकरीबन 15 पाउंड के बराबर है, तो 4 बार कितने पाउंड के बराबर होगा, 60 और 90 पाउंड 6 बार 90 के बराबर होगा। अब आपके ध्यान में होना चाहिए कि सब प्रेशर सीजन में चाहिए प्रेशर, हमने लेकिन ऐसा प्रेशर पाइप बना दिया कि प्रेशर बिल्डअप भी हो जाए, टेम्परेचर भी चला जाए 90 भी चला जाए टेम्परेचर, ठीक है, दबाव भी आ जाए इसके ऊपर, क्योंकि पाइप को इस वाले से हमने इस प्रोडक्ट को जो है हमारे पास तो सेवरेज की रेंज है वो 63 mm से लेके 315 mm का, क्या 63 mm से लेके 315 mm का, यानी कि पीवीसी में तो आप देखते हैं इंच में होता है ना, 2 इंच 3 इंच 4 इंच 6 इंच, लेकिन ये हमने MM में बनाया, किसने बनाया, तो आपको यूज करना है MM को, अगर इंच में ठीक करना हो, कन्वर्ट करना हो, 2 इंच से लेके समझे कि 12 इंच तक रहेंगे, यानी कि 63 mm का 2 इंच का, 90 mm का 110 mm का, 125 mm का 4.5 इंच का, 140 का 5, 160 का 180 7, 208 इंच, 250 10 इंच, 315 12 इंच, यानी कि 2 इंच से लेके, बेटा उमर फरूक 10 इंच का बना, ठीक है, ये मेन एम एम में इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी जो लाइन है सीवरेज की वहां पर इस्तेमाल होता है, ये 12 इंच का सीधा दायर है, ये 12 इंच का, ठीक है, ये भी मेन लाइनों में इस्तेमाल होता है, जराब में केमिकल्स की तस्वीरों को आज के लिए गैसेस की तस्वीरों को आज के लिए, इसके अलावा जो फिटिंग आप देखते हैं फिटिंग बराबर ही वही है जो अभी भी, वही प्लग डी है, वही वाई डी है, वही अल्कू है, वही डिग्री है, फर्क किसका मटीरियल है, ठीक है, पीवीसी में जितना मर्जी अच्छा पड़ेगा इतना, लेकिन जोड़ का सोल्यूशन का लगाना, इसका जोड़ जो है वो मीटर मशीन का सोल्यूशन से मिली, देखे ना फिटिंग की जो रेंज है वो 6 इंच का, 6 इंच का तुम्हारे पास नहीं जाएगा, ये कौन सा फिल्टर है, आपको कंटेंट नहीं चलो, ये हैंगिंग फिल्टर है, कौन सा फिल्टर है, भाई ने बड़ा अच्छा चला दिया है, आजकल आपको पता है प्लाजोम में चले जाए, ठीक है, अब कहते हैं वही हैंगिंग डाल भी हम फील्ड कर दो उसको थोड़ा, तो हैंगिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो ये हैंगिंग फिल्टर है, ठीक है, इसके अलावा 4x4 का ये फुल फिल्टर है, इसका ग्राउंड जो है जहां पे सॉकेट लगनी है, सॉकेट का जोड़ लगना है या सॉकेटेड पाइप लगना है, सॉकेट लगनी है या सॉकेटेड पाइप लगना है और उसका जोड़ भी चलाना है, उसका जैसे मर्जी लेवल चेक करें पानी का हर चीज का, वो सीरट का प्लम्बर तो सीरट का धुआं मार के रेट है, बैग से नहीं मारता, उसे पता चल जाता कि भाई एक तो एक हल है चेक करने के, तसली करें इसका, सुराख भी बड़ा है, लेवल भी इसका प्रकार रहता है और बैग स्मेल नहीं है, ठीक है, वाला पानी है, बेसन की वेस्ट है, कमोड की जो भी वेस्ट है सारे डाल के ट्रैप करके बाहर कर देते, ठीक है, हाँ जी वेरी गुड, तो ये मल्टी फ्लोर ट्रैप क्या बोलते हैं इसको, मल्टी फ्लोर ट्रैप, ये क्या चीज है यार, ये क्या ले आए हैं आप, कह रहे हैं यार हमें GI का इसका लाइन है, GI को PPRC में बुश के जरिए कन्वर्ट कर देते, ऐसे ही है आदि पोने का बुश डाल, क्या कोई ऐसा, अरे ये उम्र साहब ये जो रेड कलर की मशीन है, ये प्लांट आपने पहले शायद देखा हो या यूट्यूब पर देखा हो, ठीक है, इस प्लांट का नाम बताएगा, इस प्लांट का जो नाम बताएगा, इस प्लांट का नाम क्या है, मशीन का नाम क्या है,
बट है अभी आपके व्हाट्सएप है भाई रात का बट है ये व्हाट्सएप है नाम याद रखने के लिए इधर आपने बोलते हो व्हाट्सएप 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 ठीक है व्हाट्सएप आई रोटी खा लो ये भी व्हाट्सएप है ये बट फ्यूजन मशीन है कौन सी मशीन है अंग्रेजी में बट का लफ्जी मतलब है सिरा क्या लफ्जी मतलब है जैसे यानी कि पाइप नहीं है पाइप का सिरा यार यानी कि दो पाइप को जब सिरों से जोड़ना है उनके सिरों से ये देखो बगैर सॉकेट के बगैर सॉकेट के उसको कहते हैं बट ज्वाइंट क्या कहते हैं बट ज्वाइंट बट नहीं बट बट साड़ी कर दें जी बट बट ज्वाइंट ठीक है और पूरी प्लांट को कहते हैं बट फ्यूजन मशीन क्या कहते हैं बट फ्यूजन मशीन ये इसका शिकंजा है क्या है शिकंजे ने क्या करना है पाइप को जकड़ लेना है दो लेंथ से जकड़ लेनी है 13 फुट इधर जकड़ ली 13 फुट उधर जकड़ ली शिकंजे के साथ डाइया लगी हुई है 2 इंच की 3 इंच की 4 इंच की जो भी अपने पाइप लगाना है वो शिकंजे में जकड़ लेकिन शिकंजे में जकड़ते वक्त अलाइनमेंट का ख्याल रखना अलाइनमेंट क्या है लाइन टू लाइन मिलनी चाहिए खला ना कहीं इसके अंदर जो खला होता है वो है वो खत्म करता है शेवर शेवर ने क्या करना है जो शेवर है एक घूमे का कटर लगा हुआ है इसके साथ इसने इसके जो सिरे हैं वो साफ कर देने हमवार कर देने पतरे कर देने पतरा कर बराबर कर देने ठीक है उसके बाद आ जाना है हीटर हीटर क्या दोनों के दरमियान में रखना है चंद सेकंड के लिए गर्म करना है कॉलर बन जाएगी उसके बाद हीटर उतारने तक कर दी छोटा सा प्रोसेस है ना सोल्यूशन लगना है और इतना मजबूत जोड़ इसका टाइम डिफाइन है कि भाई कितने सेकंड बेल्ट करना है कितने सेकंड इसको दबा के रखना है कितने सेकंड ठंडा करना है ये सारा टाइम जो है वो लिखा हुआ है चार्ट के मुताबिक है जो जो साइज बढ़ता जाएगा टाइम भी थोड़ा ये आपने जोड़ खुद भी लगाना है पहले लगता हुआ देख लें देखिए शेवर रखा है ये शेवर मोबाइल कर दिया ये काम है इतना सा शेवर ये देखिए जी मीटर मीटर के साथ कोई गुटका शुटका कुछ नहीं लगा हुआ कोई डाइन लगी हाँ जी पेड़ लगी हुई प्लेट ने दोनों पाइपों के दरमियान में रखा बता रहा हूँ टाइम डिफाइन है कि कितना टाइम मेल्ट करना है अभी तो हम चले जल्दी में अंदाजा लगा रहे हैं ना हमें तो आइडिया है लेकिन ये तजर्बे से चीजें आती हैं चले ब्रह्मान इब्राहिम दो जी हाल में सबसे मजबूत तगड़ा कारीगर जो होगा जो 12 लाख सी पी के है वो इस जोड़ को खोल के दिखाए इनाम का हकदार होगा चैलेंज करते हैं सर बट फ्यूजन जोड़ है ना बाजार लगता है ना साकड़ तो बगैर है बाजार लोग कहते हैं यार बाजार लग रहा कॉलर ही है ना ये इंशाला ठंडा थोड़ी देर ठंडा करके लेकिन गर्म गर्म नहीं आने की तरफ होने दियो ना होने तोड़ना थोड़ी देर टक बन गया अंदर बड़ा बारीक प्रॉब्लम तो बननी बननी है ना जोड़ भी तो लगना है ना इन्ना सागर से बन जाता पीवीसी भी बन जाता और वैसे भी वो गुलाई में लोटा लेके ऐसे पानी फेंक के ना पानी के अंदर बाग भी डाल दें मटीरियल ऐसा है गुलाई में अभी चोटी लगानी है अभी चेक करना है गर्म है चेक करें एक सूत्र की भी नहीं है थोड़ी बात टक्कर है टक्कर बनती है ना ये जनाब इतना बाजार दिखने में बारीक सी कॉलर है जी
खराब ना हो जाए जरा फिर ब्लैक टैप ज्यादा होती ये जनाब आप बोर में इस्तेमाल करें जोड़ को ज्यादातर ये प्लांट जब मेन डालनी हो ना ये मेन लाइनों के लिए इस्तेमाल होता है बात है वाशरूम में तो नहीं इस्तेमाल करने देंगे जब आपने बोर में डालना है माल या लंबा आपने मेन डालनी है दो लेंगे इसके लिए बेहतरीन चीज बड़ी कारामद इसलिए ये प्लांट जो है वैसे तो इस प्लांट की प्राइस 1.25 लाख से ऊपर है ठीक है लेकिन जब आप माल लगाएंगे आप कहेंगे जी ऑर्डर लगवा लिया प्लांट भी मैं बंदे समेत प्लांट भी और बताए मौके पे आके आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी दे रहे मैं सर वही कह रहा हूँ आप मुतलका दुकानदार पे माल लगवाए माल के साथ साथ आप कहें जी हमें प्लांट भी चाहिए हम मतलब प्लांट की कोई कीमत नहीं लेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि भाई एडवांस 10,000 जमा कराओ 25,000 जमा कराओ हम कहेंगे कि भाई ठीक है ले लो इस्तेमाल करके लेकिन वापस करें ठीक है सही है ये अच्छी बात है इसी तरह ये नहीं ये छोटी मिल बड़ी स्कीम थी हम तो कहते हैं यार माल लगाने वाले बनो भाई लेने वाले ही नहीं है खरीदार ही नहीं है तो फिर हमारा क्या कसूर है किसी को आएंगे हाँ जी वो चोट पे आए जो रेगुलर चोट है ये वो हीटर मशीन है इसने आपके वॉशरूम के अंदर काम देना है इसने अगर आपको अपने फिटिंग के साथ जब पाइप का जोड़ लगाना है ना तो इस प्लांट ने काम देना है इस हीटर मशीन ने ये वही हीटर मशीन है जैसे 25-25 की आप लगाते हैं वही हीटर मशीन है ठीक है 25 एमएम का हेलो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਲਾ ਮਨਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਹੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 16-40 ਦਾ ਕਿੰਨਾ 16-40 ਉਸ ਉੱਪਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀਟਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਲਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-110 ਕੰਪਲੇਨ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟਰ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 63 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਹੀਟਰ ਤੇ 63 ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੀਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਸੇਵਰੇਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਕਰੋਸਿਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟਲ ਤੇ PVRC ਪਾਈਪ ਦੀ ਜਦੀਦ ਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2001 ਤੋਂ DIN ਸਟੈਂਡਰਡ
कटर कुटर भी डाल देने फिर भी हाँ अली साहब को हम जो है कि वो सेफ बनाए और हमारा सबसे ज्यादा है अभी बहुत सारी है।